नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज से एक नई प्लेलिस्ट शुरू करते हैं, एक नया सेगमेंट शुरू करते हैं। और जितनी भी जो है नौकरियाँ अपने देश में निकाली जाती हैं, उनके बारे में, उनके नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है आज से दी जाएगी। और इसी श्रृंखला में आज आपके लिए लेकर आए हैं SBI का अभी तक का सबसे बड़ा जो है नोटिफिकेशन आया है, SO नोटिफिकेशन। ये जो है 21 पेज की ये PDF है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये जो है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस पर, ये उसका एडवर्टाइजमेंट है आपके लिए। ये 14 तारीख से शुरू हो चुका है, 4 अक्टूबर तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। फीस और वेबसाइट क्या है ये मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको ऑनलाइन थ्रू करना है, जाना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ क्लिक करने के बाद जो है आपको ये वेबसाइट पर ले जाएगा। जब तक ये वेबसाइट ओपन होगा, तब तक मैं आपको और नीचे आकर समझा देता हूँ। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरत होगी। अक्सर आप काफ़ी सारे फॉर्म भरते रहते हैं, वही कॉमन सी चीज़ें जो होती हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ID प्रूफ, एजुकेशन प्रूफ, ये इस तरीके की चीज़ों को जो है आपको यहाँ से भरना होता है। ये देखिए दोस्तों, ये SBI के वेब करियर में ये लिखा रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लेटेस्ट अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये वह पोर्टल है जहाँ से आप जो है इसको हम कह सकते हैं कि आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, एक तो आप ये देख लीजिए, लिखा हुआ है कैंडिडेट को अलाउ नहीं है कि वो अप्लाई कर सके मोर देन वन पोस्ट, एक पोस्ट से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, तो आपको पर्टिकुलर किसी एक पोस्ट के लिए ही जो है अप्लाई करना होगा। और ये आप देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है। और अब तक का जो जो मैंने देखा है, सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट है ये दोनों के ही लिए। आप पहले तो टोटल देख सकते हैं, ये जो है टोटल सीट्स आप देख पा रहे हैं। ये अलग अलग हमारी जो रिजर्वेशन की कैटेगरी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डिटेल दे रखी है। ये जो ऊपर की आप 5 देख रहे हैं दोस्तों, इनको सुनने में आ रहा है, नीचे भी हम डीप में जाकर देखेंगे। इन सब में जो है दोस्तों एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, 1 से लेके 5 तक एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ये इनकी डिटेल्स है। और ये एज होनी चाहिए मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 साल के, अगर आप हैं 30 जून 2024 की रेंज में, तो आप इसके लिए इसको भर सकते हैं। और ये जो असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम आप देख रहे हैं, ये कैटेगरी आप देखिए, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें निकाली हुई हैं 784, और ये इनका बाइफरकेशन है। और मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 साल आपकी उम्र जो है होनी चाहिए। और ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वह क्या करेंगे। और आपको यहाँ पर एक्चुअल में देखने के लिए मिलेगा कि इसमें आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। ये पहली पोस्ट है, पहली पोस्ट के लिए ये एसेंशियल जो है, क्योंकि सिस्टम का काम है दोस्तों, तो कंप्यूटर साइंस की बात ही यहाँ पर ज़्यादातर होने वाली है। बी में अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें अगर आप मिनिमम 50% स्कोर किए हैं, MCA हैं उसके इक्विवेलेंट हैं, MTech हैं, या MSc इन कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, IT हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो आप एलिजिबल हैं। और ये जो है यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर। ये अगर अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपको प्रेफर्ड सर्टिफिकेशन और भी 31 अगस्त 2024 की डेट में अगर आपने कोई ऐसा कह सकते हैं सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, ये जो डिटेल दे रखी है इनमें से कोई भी, तो उसमें जो है प्रेफरेंस दी जाएगी, ये लिखा हुआ है, विल बी गिवन प्रेफरेंस। देन दोस्तों ये वर्क एक्सपीरियंस है, तो मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। ये जो पोस्ट है उसका नाम है डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी। दोस्तों इसी तरीके से ये सारी डिटेल हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए मैं आपको मेन जो 6 कह सकते हैं पॉइंट में दे रखा था, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम, यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको 31 अगस्त 2024 के बेसिस पर दिखानी है। बी टेक, MCA, MTech, MSc, कंप्यूटर साइंस,
इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिनिमम 50% क्वालिफिकेशन के साथ होना चाहिए। अगर अदर आपने कुछ किया हुआ है डेवलपर बेसिस पे या क्लाउड ऑपरेशंस पे, आजकल ये सर्टिफिकेट कोर्सेज ये कंपनियां पर्टिकुलर जो है करवाती हैं। दोस्तों देखिए कितना कुछ दे रखा है, टेस्टर, आईटी रिस्क, नेटवर्किंग ऑपरेशन। एक बात आप मानकर चलिए कि अगर SBI में आपको जॉब मिल रही है तो ये कोई प्राइवेट कंपनीज की तरह नहीं है जिसमें रिक्रूटमेंट होने के बाद वो 3 से 6 महीने अपने तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर ये लगभग आपको मान के चलते हैं कि आपको सारी चीज़ें आती हैं जो जो उनकी नौकरी में ज़रूरत पड़नी है। कुछ टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे वो आपको बस बताएंगे, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इसके सिलेबस पे ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ लिखा है दोस्तों, वर्क एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इसको फ्रेशर भी भर सकते हैं, स्पेसिफिक स्किल नॉट रिक्वायर्ड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस वीडियो का। 6th कैटेगरी जो है आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बस उम्र का ध्यान रखें, 30 साल से ऊपर का कोई भी स्टूडेंट जो है इसको नहीं भर सकता है, इसके अंदर एज लिमिट जो है दे रखी है। इसके बाद दोस्तों ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी हैं कि किसको क्या काम करना होगा। तो आइए मैं आपको वही जूनियर लेवल पर जो सबसे ज़्यादा जिनकी पोस्ट हैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ की इंटरेक्शन विल बी असाइंड बाय द बैंक टाइम टू टाइम, डिपेंड है अपॉन द रिक्वायरमेंट जैसी आएगी। KRAs शैल बी असाइन पोस्ट ज्वाइनिंग, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई हैं। और दोस्तों ये है आपके जितने भी वेतनमान जो सैलरी का डिटेल्स होता है, ये जॉब लोकेशन आपको दे रखी है, सजेस्टेड प्लेस है ये नवी मुंबई, और ये थर्ड पोजीशन के लिए हैदराबाद, और ये जो मेन है इसके लिए आपको नवी मुंबई, मुंबई में लोकेशन मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको जो है उपलब्ध रहेंगी, ये इसमें लिखा है। ये आपका बेसिक ग्रेड पे जो है होने वाला है, इसको आप आराम से डिटेल के साथ देख पाएंगे। इसके साथ दोस्तों ये जो प्रोवेशन और कन्फर्मेशन है इसको भी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ऊपर एक्सपीरियंस लेकर आएंगे 5ों कैटेगरी में लोग, तो उनके लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आप फ्रेशर हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अक्सर कई लोग वीडियोज़ में ये चीज़ शेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है जब जॉइनिंग का टाइम होगा वहाँ पर एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा जिसकी वैल्यू है 2 लाख प्लस एप्लीकेबल GST टू सर्व द बैंक फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 5 साल। तो ये मान के चलें कि 5 साल तक तो आपको यहाँ नौकरी करनी ही है, और इसीलिए ये बॉन्ड जो है 2 लाख रुपये का आपको भरना होगा। और जो मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं वैसे सजेशन देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन SBI की जॉब एक ड्रीम जॉब होती है इस देश के अंदर, मैं नहीं मानता कोई छोड़ना चाहेगा, इसलिए इस बॉन्ड को इतना ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अगर आपकी जॉब लगती है तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और जितना अच्छा जितना बड़ा पे स्केल SBI प्रोवाइड करता है और अपने एम्प्लॉयज़ को जो जो चीज़ें सुविधाएं प्रदान करता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। दोस्तों ये है सिलेक्शन प्रोसेस, तो ये एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए है, बाकी असिस्टेंट मैनेजर के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा और इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन मतलब आप इसको इंटरव्यू समझ सकते हैं, इसके पर्टिकुलर कुछ नंबर दिए होंगे। ये 1 से 5 वालों के लिए प्रोसेस है, और ये 6th वाले के लिए क्या है ये आप देख सकते हैं। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होना है दोस्तों, अभी टेंटेटिव किया गया है कि मंथ ऑफ नवंबर में ये इसको लेने वाले हैं। कॉल लेटर, टेस्ट वगैरह सब बैंक की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ये इतने सारे जो हैं सेंटर्स हैं दोस्तों, ये देखिए गुंटूर से लेकर ये सिलीगुड़ी तक इतने सारे सेंटर्स हैं, तो आपके राज्य का कोई ना कोई बड़ा शहर या राजधानी ज़रूर इसके अंदर होगी, वो भी आप देख सकते हैं जब आप इसको फिल करते हैं तब। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है ऑनलाइन मोड पे यहाँ पर दी जाती है, और ये पर्टिकुलर किन्हें दी जाती है ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब ये है मेन सेक्शन, ऑनलाइन टेस्ट अगर होता है तो रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं 15 नंबर के, क्वांट एप्टीट्यूड आने वाला है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, इंग्लिश आने वाली है 20 नंबर की, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जनरल IT की नॉलेज जिसको प्रोफेशनल नॉलेज कहा गया है 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 क्वेश्चन जो कि 100 नंबर के होंगे, और 45 मिनट्स आपको ये सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, ये हो गए हैं 50 क्वेश्चन, और 75 मिनट आपको मिलेंगे ये 60 क्वेश्चन करने के लिए, विच मीन्स अगर आप इनका टोटल करें तो आपको 120 मिनट मिलने वाले हैं, और 120 मिनट जो आपको मिलने वाले हैं उसमें अगर आप क्वेश्चंस का टोटल कर लें तो 110 क्वेश्चन आपको हल करने हैं 120 मिनट के अंदर, ये यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क स्कोर विल बी रिकॉर्ड फॉर अराइविंग एट द मेरिट, और ये बोर्ड में पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा सुकून देता है एग्ज़ाम देने वाले को कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर देने पर नहीं होने वाली है, ठीक। इसके बाद ये और डिटेल दे रखी है, जब इंटरेक्शन होगा दोस्तों तो ये जो वेटेज है देखिए
30% इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, रिटर्न टेस्ट के 70% मार्क्स होंगे। कैटेगरी वाइज एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट है डिसाइडेड, बैंक डिसाइड करेगा उनको। और इंटरेक्शन के जो 25 मार्क्स हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं जब ये काम होगा। ये सब्जेक्ट हैं बेसिकली मेन, जो जिनके आधार पर ये जो क्वेश्चनर आना है, 60 क्वेश्चन आने हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंफ्रा सपोर्ट, नेटवर्किंग और क्लाउड ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की और ये सभी आपको आने चाहिए। इन पर इतने इतने क्वेश्चन आएंगे, ये उनके मार्क्स हैं। दोस्तों ये वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया गया है कि अगर कुछ ऐसी प्रोसेस होती है तो एक पोस्ट पर कितने लोग होंगे उसको यहाँ पर बताया जाएगा। अब ये आपको इंडिकेटिव सिलेबस दिया गया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सिलेबस आप देख सकते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में से पूछा जाएगा, वही कॉमन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी पढ़ाई के दौरान इनको पढ़ते हैं। इंफ्रा सपोर्ट आप देख सकते हैं, नेटवर्किंग में वैन लैन जो है मैन, इस तरीके की चीज़ें आने वाली हैं। क्लाउड में बेसिक क्लाउड के ऑपरेशन ही आपसे पूछने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों सीधी सी प्रोसेस दी गई है कि ये ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, इंटरेक्शन के लिए आपको किस तरीके से डेटा दिया जाएगा, प्रूफ क्या क्या होंगे आपकी आईडी के लिए, और मोबाइल फ़ोन, पेजर, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, एनी डिवाइसेस यूज़ इनका, ये सब, क्योंकि ये 21 पेज का नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये आप आधिकारिक वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, ये वैलिड एक ईमेल आईडी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फ़ीस का चार्ट दे रखा है, किस कैटेगरी को कितनी फ़ीस लगेगी, ये आप जो है और बेहतर यहाँ से पढ़ पाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे, क्या क्या अपलोड होना है, किस साइज़ में अपलोड होना है, क्या बेसिक क्या मिनिमम उसकी नीड है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। ये एक एक चीज़ यहाँ पर वीडियो में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जब आप इसको भरेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से ये पूरा पेज जो है प्रोसेस आपको दे रखा है, लास्ट में ये फ्लो चार्ट बना रखा है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें, इस प्रोसेस के तहत आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये स्पेशल कैडर ऑफिसर SBI SO का नोटिफिकेशन इस वीडियो में समझ आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और भी लोगों को बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए अगर आपको इस फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत आ रही है, तो जितना होगा हम आपकी मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।